हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपकी भी मटर की कचौड़ी कभी कभी जब बनाते हैं तो फट जाती हैं या फिर हमेशा फट जाती हैं? अगर आपकी भी मटर की कचौड़ियां फट जाती हैं तो आज के बाद आपकी मटर की कचौड़ी बिल्कुल भी नहीं फटने वाली हैं, जिस तरीके से मैं बनाऊंगी। तो चलिए आज मैं आपके शेयर करूंगी मटर की कचौड़ी की रेसिपी। तो मैं बनाने जा रही थी मटर का निमोना, जिसके लिए मैंने ये मटर ली है, लहसुन की थोड़ी सी कलियाँ ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और दो प्याज लिए थे, जिनको भी ऐसे रफली दो दो टुकड़ों में काट लिया है। और मेनू हो गया था चेंज, जिसके बाद मैंने बनाई थी कचौड़ी, तो सेम प्रोसेस वही मैंने किया। तो ये मटर जो है, प्याज लहसुन मिर्च और मटर डाल के मैंने क्या किया, इसमें सारी चीज़ें डाल दी कुकर में, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अगर मैं निमोना बनाती हूँ ना तो मैं ज़्यादा पानी डालती, थोड़ा सा आधी कटोरी तक पानी डाल देती, लेकिन मुझे बनाने हैं मटर की कचौड़ियाँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, बस थोड़ा सा पानी डाला, 3 से 4 चम्मच, और इसमें लगा लेंगे 2 सीटी। 2 सीटी लगा के ये अच्छे से मटर हमारी बॉयल हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में इसका बना लेंगे बढ़िया से पेस्ट। और आगे का प्रोसेस कैसे क्या होगा, कैसे क्या बनेंगी ये मटर की कचौड़ियाँ, वो मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में। बने रहिए ब्लॉग में, वीडियो में या फिर रेसिपी में। तो ये देखिए मटर हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो इसको क्या करेंगे, जो कुकर का ढक्कन है ना, उसकी लीड यानी कि रबड़ निकाल देंगे और इसको कुकर को ढक्कन लगा के ही रख देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। निकाल के बिल्कुल भी नहीं ठंडा करेंगे, नहीं तो ये मटर जो है थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो जाएगी, तो फिर बाद में पीसने में दिक्कत करेगी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी, दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और आज का ब्लॉग वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली मटर की कचौड़ी। तो मटर वटर तो मैंने उबाल के रख दिए, तो मैं बनाने वाली थी मटर का निमोना, लेकिन गुप्ता जी बोले कि उनको खानी है मटर की कचौड़ी, क्योंकि मौसम ना वैसा हो रहा है ठंड वाला, ठंड भी हो रही है, धूप भी नहीं निकल रही, तो ऐसे मौसम में ना कुछ चटपटा जैसे कचौड़ी हो गई, पराठा हो गई, खाने का मन करता, तो उनका मन होगा है कचौड़ी खाने का, मटर की कचौड़ी। तो चलिए बनाते हैं उनके लिए मटर की कचौड़ी और आपके साथ टेस्ट भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि ना बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी मटर की कचौड़ी जो है फट जाती हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं फटती हैं, बहुत अच्छी से बनती हैं, एकदम से खस्ता करारी मटर की कचौड़ी। चलिए आपको भी बना के खिलाते हैं, चलते हैं किचन में और दिखाते हैं ये रेसिपी। और आपको क्या करना है, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, बस इतना करना है। और मेरी अगर आंखों की ये सूजन की बात करें तो अभी भी है, आप देख सकते हैं अभी भी ये सूजन है, ठीक नहीं हुए, डॉक्टर ने बोला ऐसी काई वकाई करने को और दवाई दी है खाने को, खा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर पता है क्या बोले, डॉक्टर बोले आप तो अजीब ही केस लेके आई आप तो मैंने कहा डॉक्टर आप हैं कि मैं हूं। तो ये हाल है डॉक्टरों का, कि मतलब उनको पूरा जब डिटेल दो ना तब भी उनको समझ में नहीं आता कि हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो मैं देखती हूँ अगर यहाँ से कुछ हो गया फायदा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं लखनऊ ही जाऊंगी दिखाने के लिए। तो फिर जैसा होगा, जो भी होगा, आपको अपडेट तो मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं पहले किचन में और बनाते हैं मटर की कचौड़ी, ठीक है, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। और बस, और मटर ना मैंने नहाने से पहले उबाल के रख दी थी जब तक कि ठंडी हो गई, क्योंकि मटर को ठंडा करके ही उसको मिक्सी के जार में डाल के पीसना होता है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको, बताने से क्या फायदा है, बताने से तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, किचन में ही चलना पड़ेगा। आ जाइए फटाफट चलते हैं किचन में। ये देखिए, नहाने से पहले मैं मटर को उबाल के रखे गई थी, कि सोचा थे निमोना बनाएंगे और मतलब खाने में आज लंच में निमोना की सब्जी और चावल रोटी, यही सब सोचा कि बनेगा, लेकिन गुप्ता जी को कचौड़ी खानी है तो मेन्यू हो गया चेंज। चलिए कचौड़ी बनाते हैं, क्या कर सकते हैं, इसी जो मटर हमने रखी ना, प्याज लहसुन सब डाल के उबाली है, क्योंकि सब्जी बनानी थी, अब मैं इसी से कचौड़ी बनाऊंगी। ये देखिए चलिए बैक कैमरा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं बैक कैमरा को बैक। और आप क्या करेंगे, जो हमने मटर को उबाल के रखा ना, प्याज लहसुन मिर्च सारी चीजों को हम मिक्सी के जार में डाल के इसका बढ़िया से पेस्ट बना लेंगे। और अगर आपका पेस्ट ऐसे ना बने तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी भी ऐड करके पी सकते हैं। और ये देखिए मैंने सारा जो है मटर का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 2.5 चम्मच बेसन, तो बेसन को भी ऐड करेंगे। कैसे क्या ऐड करेंगे चलिए दिखाते हैं आपको, बने रहिएगा व्लॉग में वीडियो में। तो गैस की तरफ चलते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, मैंने गैस पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, इसमें 2 चम्मच तेल डाला, तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हींग डाली और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने कैमरा तो ऑन ही नहीं किया, तो तेल गर्म होने पे मैंने सिर्फ इसमें हींग और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, बाद में मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली थी, जितनी हल्दी मैंने बाद में डाली उतनी ही पहले डाली होगी। और जो बेसन निकाल के रखा था ना, वो बेसन ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे 1 मिनट तक। तो 1 मिनट में ये बेसन जो है हमारा अच्छे से भून जाएगा। इसके बाद क्या करें, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, हम डालेंगे सौंफ का पाउडर यानी कि भुनी हुई सौंफ का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और जो हमने मटर को पीस के रखा ना, मटर का जो हमने पेस्ट बना के रखा है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे।
और यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला बस आधे चम्मच से कम, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। और नमक को इस बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें जो हमने मटर का पेस्ट बना के रखा है वो भी ऐड कर देंगे और इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई से बिल्कुल चिपकना ना छोड़ दे, तो इसको बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल मीडियम लो आंच पे, ना ही बिल्कुल लो आंच करेंगे ना ही बिल्कुल हाई आंच करेंगे, तो मीडियम लो आंच पे मतलब मीडियम लो फ्लेम पे इसको जो है चलाते हुए भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन में, और जब तक ये कढ़ाई से चिपकना छोड़ नहीं देता तब तक हम इसको भूनेंगे। बस बहुत जल्दी भून जाता है, 2 से 2.5 मिनट लगते हैं, बस इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और बस ये हमारा जो है मसाला बहुत अच्छे से मतलब भुन जाता है, और मतलब टाइम तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, आप देख सकते हैं इसको चलाते हुए, और कढ़ाई से भी बिल्कुल चिपकना छोड़ दिया इसने, यानी कि ये हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। अगर आप इस तरीके से भून के बनाएंगे ना तो जो कचौड़ी है ना एकदम से बहुत ज़्यादा सौंधी सौंधी सी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। बहुत लोग जिसे क्या करते हैं कच्ची मटर को ही पीस लेते हैं और उससे कचौड़ियाँ बना लेते हैं, जिससे उनका जो है कचौड़ी क्या होता है फट जाती है, क्योंकि मटर में हल्का फुल्का पानी रहता है ना इसकी वजह से कचौड़ियाँ फट जाती है। आप इस तरीके से भून के और बेसन मिक्स करके बनाएंगे ना तो कभी भी आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी और बहुत बहुत यम्मी बनती हैं। आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए सारे मसाले को हमने प्लेट में निकाल लिया है, प्लेट में चम्मच से हल्का सा फैला देंगे और ये एकदम से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। जब तक हम क्या करें खाली नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी, तब तक हम आटे का डो लगा के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी किचन में हाथ फ्री नहीं करने होते, बिल्कुल खाली नहीं बैठना होता, काम चलता ही रहता है हमारा, चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बीच बीच में तैयारियां होती रहती है। तो जब तक ये मसाला ठंडा होगा जब तक हम आटा लगा के रख देंगे और गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी, उसमें डाल दिया तेल, तेल गर्म हो रहा है क्योंकि ठंडक में ना ठंडा होने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि सब फर्श वगैरह ठंडी रहती है ना, तो फटाफट आटा लगा लेते हैं। और आटे में क्या क्या डालूंगी वो दिखाते हैं, ठीक है। इसमें डालेंगे मैं थोड़ी सी ये ली है अजवाइन, नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा कमी लिया है, और ये 1 पिंच सोडा, ठीक है। आटे में बस मैं यही डालूंगी और कुछ नहीं। इसके अलावा थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ना हमारी जो कचौड़ियां ना एकदम से खस्ता करारी बने। तेल सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड डाल सकते हैं क्योंकि मैं रिफाइंड का यूज बहुत 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 कम ही करती हूँ, बहुत कम मंगाती हूँ, और इस समय रिफाइंड घर में है भी नहीं तो मैं सरसों का तेल ही ऐड कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर आटा गूंथ लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये सारी चीजें जाएंगी आटा में, और इसके अलावा जाएगा सरसों का तेल, लगभग 1 या 2 चम्मच डाल देंगे बस, ज्यादा नहीं। बस अब इस आटे को गूंथ लेंगे, थोड़ा सा नरम सॉफ्ट इसका लगा लेंगे डो, फिर बनाएंगे कचौड़ियां। आटे को कूट पीट दिया है, अब इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए, फिर बनाएंगे इसकी कचौड़ियां ताकि आटा ना अच्छे से फूल जाए। बस जा रही कचौड़िया, और कचौड़िया का जो आटा होता है ना वो रोटी से थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, यानी कि रोटी से थोड़ा सा मुलायम रहता है। ये देखिए इस तरीके से, जितना ज्यादा सॉफ्ट आटा बनेगा ना कचौड़ी हमारी उतनी ज्यादा बढ़िया बनेगी। तो बना लेंगे इसके पेड़े अपने हिसाब से, जैसे भी आप कचौड़िया खाना चाहें छोटी बड़ी इस तरीके से। तो कचौड़ियाँ बनाने के लिए आप अपने हिसाब से लोई बना लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे बेलन से हल्का सा इसको बढ़ा लेंगे यानी कि पूड़ी जैसी बना लेंगे, इसके किनारे हल्के से पतले रखेंगे और बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताकि ये कचौड़ी हमारी बिल्कुल भी ना फटे। और इसमें डालेंगे जो हमने ये मसाला तैयार करके रखा ना मटर वाला, उसको रखेंगे लोई के बीच में और हाथों से यानी कि उंगलियों की सहायता से हम इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे और इसको दबाते हुए बस इसको पैक कर देंगे, एक पोटली जैसी बना लेंगे और बढ़िया से इसकी चिकनी जैसी लोई बना लेंगे, एकदम से पेड़ा जैसा बना बॉल जैसी बना लेंगे। फिर उसके बाद हल्के हाथों से इसमें बेलन लगा के बेल लेंगे, बस हमारी बढ़िया से कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। बेलन को भी आप हल्का हल्का ही लगाइएगा, अगर आप चाहें तो हाथ से भी बढ़ाकर बना सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा बेलन से ही बनाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं फटती है। आप ऐसे एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, ठीक है। और ये देखिए एकदम से पेड़ा जैसा बन गया, यानी कि जो पहले से बॉल जैसी बनाई ना पोटली जैसी बना के इसको दबा दी, मतलब हाथों की हथेलियों की सहायता से, और सारी कचौड़ियाँ हम इसी तरीके से बना लेंगे, पोटली बनाएंगे फिर इसको हाथों की सहायता से बिल्कुल चिकना कर देंगे और बस हमारी ये लोई बनकर तैयार हो जाएंगी। और हल्के हाथों से इस पर बेलन लगा के बेल लेंगे और बढ़िया मस्त कचौड़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है मटर की कचौड़ी ठंडक में, तो इसका जैसे नहीं ऐसा लगता कि स्वाद दोगुना हो गया हो। इस तरीके से आप एक बार जरूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत बहुत यम्मी लगती हैं।
और बस कचौड़ियाँ बनाते वक्त एक बात आप ध्यान रखें कि जो हमारा जो मटर वाला जो ये मसाला होता है ना जो भूनते हैं, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये मसाला गीला होगा ना तो आपकी कचौड़ी फट जाएगी, बिल्कुल भी सही से अच्छे से नहीं बनेगी। जब भी आप बेलन लगाएंगे तो ये जो है बाहर निकल जाएगा मसाला, और फिर ये कचौड़ियाँ जो है अच्छी नहीं बनती है और तेल भी हमारा खराब हो जाता है। बस कुकिंग करते समय छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी कोई कोई भी रेसिपी खराब नहीं होगी, कोई भी चीज़ खराब नहीं बनेगी, सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी। तो ये देखिए मैं कैमरा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। और यहाँ पे मैंने तेल को चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा पहले डाला कि ताकि देख सकूँ मैं कि तेल अच्छे से गर्म हो गया कि नहीं। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया, बिल्कुल भी इसको मतलब इतना तेज गर्म नहीं करना कि धुआं निकलने लगे, बस तेल घाँ गर्म हो जाना चाहिए, ना बिल्कुल मतलब तेज होना चाहिए ना बिल्कुल नीचे, नहीं मीडियम आँच पे इसको गर्म करना है तेल को, बिल्कुल हाई। अगर तेल गर्म होगा ना तो कचौड़ी हमारी ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, बिल्कुल आराम आराम से इनको भूनना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौड़ी बनकर निकल के आई है, और सारी कचौड़ियों को हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे, अलट पलट कर अच्छे से इनको पका लेंगे मीडियम आंच पे, बहुत अच्छे से बन जाती है सारी कचौड़ी, फूली फूली आपकी बनेंगी, एक भी कचौड़ी नहीं फूटेगी और बहुत ही अच्छे से बनेंगी। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो देखिए सारी हमारी मटर की कचौड़ियां बनकर तैयार हो गई, और आज कचौड़ी और मेरी ड्रेस का कलर सेम सेम लग रहा है, ये देखो कचौड़ी और ड्रेस का कलर सेम सेम, देखिए लग रही ना मस्त एकदम बढ़िया। बनाइए खाइए एंजॉय करिए, नहीं तो किसी भी से उठा लीजिए, आ जाइए बढ़ाइए हाथ लीजिए, ये लो ले ली, चाय बन रही, चाय से खाएंगे, फैलना नहीं फैलना, चाय थोड़ी ज्यादा बन गई कम भर गई पूरे चाय से, ये लीजिए चाय और कचौड़ी, फटाफट आ जाइए आप लोग भी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, हाथ नहीं खा लिए कैसे करें थंब दिखाएं, ऐसे लाइक कर दीजिएगा ठीक है, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ये लीजिए गरम गरम, हम खाने जा रहे हैं चलिए मिलते हैं फटाफट नए ब्लॉग फिर वीडियो में, नहीं तो फिर चाय छलक जाएगी क्योंकि कप ना एकदम से भर गए, देखिए फटाफट आप लोग भी आ जाइए जल्दी से आ जाइए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, ये लीजिए चलिए मिलते हैं, बाय बाय।